Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing fine and having a good day. So today in this video we are going to discuss occurrence of metal. Metal की occurrence क्या है? Basic metallurgical operations क्या है? उनके अंदर हम कौन-कौन से method use करके उनको prepare करते हैं? So guys, myself Faiza and don't forget to subscribe my channel because when you subscribe my channel then I feel very happy, okay? So you should totally subscribe to my channel. So today in this video, occurrence of metal, हमारी जो story थी वो हम कहाँ से पढ़ रही थी? हमने जो है उसके metallurgy पढ़ा, ore पढ़ा, gangue पढ़ा, minerals पढ़ा. अब हम occurrence of metal पढ़ती हैं. Occurrence of metal के अंदर जो story थी वो interesting थी और बहुत मज़े की थी. तो चलिए देखते हैं occurrence of metal के अंदर actually होता क्या है. तो चलिए guys, let's get started. First of all, occurrence of metal, के metal occurrence मतलब के पाया जाना, metal का metal के किधर किधर पाया जाता है, okay? Occurrence मतलब presence उसकी, okay? इस तरह से इसको हम presence भी कह सकते हैं, presence of metal. अब metals कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, अब हम देखते हैं यहाँ पर. First of all, जो हमारे पास metal है, metal occurs in nature. मेटल्स जो हम नेचर के अंदर पाया जाता है, नेचर के अंदर आइदर इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट, या तो वो फ्री स्टेट में होगा या फिर वो कंबाइंड स्टेट में होगा. अब आपको होगे फ्री स्टेट क्या है, कंबाइंड स्टेट क्या है, हमें नहीं पता, तो मैं बताऊंगी ना फ्री स्टेट क्या है, कंबाइंड स्टेट क्या है. तो चलिए देखते हैं फ्री स्टेट क्या है, कंबाइंड स्टेट क्या है. अब हम देखते हैं कि इस पूरे हम जो टॉपिक है इसको एक बार, और ये जो टॉपिक है ये क्लास 10 के बोर्ड की केमिस्ट्री की बुक की सेम वर्डिंग एज इट इज है, मैंने यहाँ पर लिखी है कि आपको याद करने में इजी हो और समझने में मैं आपको एक एक वर्ड समझा सकूं, ओके? तो आपने अगर यहाँ से पॉइंट्स याद कर लिए तो बुक से आपको रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बुक वाला ही है, ओके? तो अब हमारे पास जो नेटिव है, जो मेटल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं नेटिव फॉर्म में या फिर फ्री फॉर्म में. व्हेन इट इज फाउंड इन नेचर, जब ये नेचर में पाई जाती है इन मेटालिक स्टेट, तो या फिर ये नेटिव होंगे या फिर फ्री होंगे. नेटिव मीन कंबाइंड स्टेट, फ्री मीन फ्री स्टेट. अब कंबाइंड स्टेट क्या है, फ्री स्टेट क्या है, उसको भी हम पढ़ेंगे. दो मिनट स्टॉप, वेट करें. जो फ्री स्टेट है, कंबाइंड स्टेट है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो नीचे आएगा. अब जो मोस्टली दीज मेटल्स, और जो हमारे पास मेटल मेटालिक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो मेटल्स है, अब कौन से वाले मेटल्स, अब मैं आपको बताती हूँ. मोस्टली दीज मेटल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर. ये जो मेटल्स हैं, कौन से वाले मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये जो मेटल्स है ना, ये मेटल्स है ना, सोना, चांदी, प्लैटिनम, तो ये जो है ये हमारे पास एयर भी, एयर के साथ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ओके? ये जो हमारे पास गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम के जो मेटल्स हैं आर नॉट रिएक्टेड बाय वाटर एंड एयर, ओके? तो जो हमारे पास वाटर या एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ये फ्री स्टेट में है. इज इट क्लियर? ये कौन सी स्टेट में है, फ्री स्टेट, ओके? इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हमारे पास कहते हैं कि जो रिएक्टिव मेटल्स है, जो रिएक्शन करते हैं, जो तो कहते हैं, जो कहते हैं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ रिएक्शन तो करके रहेंगे, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो हम तुम्हारे साथ रिएक्शन करेंगे. तो हमारे पास ये बेचारे, तो ये नन्हे से, ये हमारे पास ये गोल्ड, ये सिल्वर, ये प्लेटिनम, ये कहते हैं छोड़ो भाई हमें इतना सांस नहीं है तुम्हारे साथ रिएक्ट करें, जाके वाटर और एयर को कहते हैं. और जो हमारे पास रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो कहते हैं तुम जाए जो कुछ कर लो हम तुम्हारे साथ रिएक्शन करेंगे. किसके साथ, वाटर, एयर और उसके दूसरे रिजेंट्स के साथ. अब जो रिएक्टिव मेटल्स है, सोडियम, एक तो सोडियम है, दूसरा कैल्शियम, तीसरा पोटेशियम, ये बहुत बादर है, कहते हैं हम तुम्हारे साथ रिएक्शन करेंगे. और ये जो केमिकली रिएक्टिव है आर अफेक्टेड बाय एयर्स, और ये एयर के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं, मतलब उसके साथ भी रिएक्शन करती हैं, और वाटर के साथ भी करती हैं, उसके रिजल्ट्स के साथ भी करती हैं, ओके? ये कहती है हम तुम्हारे साथ रिएक्ट करेंगे. तो जो मतलब रिएक्टिव हमारे पास मेटल है, जो रिएक्शन करती है वाटर और एयर के साथ और दूसरे उसके रिजल्ट्स के साथ,
उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइंड स्टेट में है। दे अकर्स इन कंबाइंड स्टेट, तो वो कंबाइंड स्टेट में है किसके साथ, विद नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। और ये जो एलिमेंट्स है हमारे पास, ये कैल्शियम, सोडियम, ये पोटेशियम, ये क्या है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है। जबकि हमारे पास जो फ्री है वो हमारे पास मेटालिक स्टेट है। और जो ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये मेटल्स है ना, ये मेटालिक स्टेट में है। जबकि जो हमारे पास सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये नॉन मेटालिक एलिमेंट्स है। और जब नॉन मेटालिक एलिमेंट्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ और एयर के साथ, तो वो क्या बन जाती है, वो कौन सी स्टेट में चले जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में। ओके, और इसके अंदर हमारे पास क्या एग्जांपल आती है, PbS, ZnS, FeO3, Al2O3, CaF2 etc. This is example of non-metallic elements. And ये जो है बहुत sad feel कर रहा है, because इसने कहा है कि मुझे आपने last में क्यों लिखा। So this is the occurrence of metal. एक बार इसको revise कर लेते हैं कि जो metals हैं, metals occurs in nature, metals nature के अंदर पाई जाती हैं, free state में या फिर combined state में, native में या free में। ओके, तो ये दो वर्ड यूज करते हैं, नेटिव और फ्री। तो अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास मेटल्स है वो जब हमारे पास नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं तो वो मेटालिक स्टेट में होती है। ओके, और जिस तरह से हमारे पास मोस्टली वर्ड जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये किसके साथ, वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सो ये किस फॉर्म में हुए, फ्री स्टेट में। जो हमारे पास मेटल, सोडियम, कैल्शियम और ये पोटाशियम है, जो वाटर, एयर और उसके दूसरे रिजेंट्स के साथ अफेक्ट करती है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंबाइंड स्टेट में। ओके, सो दैट्स इट। ओके, and if you have any question related to this topic, you can ask me in the comment section. And our next topic is basic metallurgical operation. So welcome my dear metallurgical operations. इसके अंदर अब हम क्या पढ़ेंगे, जो metallurgical operation है, हमारी जो story है थोड़ी सी आगे बढ़ी है। आप आगे पढ़ते जाएंगे एक दिन आएगा हमारी story सारी complete हो जाएगी। आई मीन केमिकल इंडस्ट्री वाली स्टोरी, दूसरी स्टोरी नहीं, वो दूसरी जो हमारे पास ड्रीम स्टोरीज होती हैं वो वाली नहीं, ये वाली स्टोरी। ओके, केमिकल इंडस्ट्री की। अब इसके अंदर ना मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास मेटलर्जिकल ऑपरेशंस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेथड यूज होते हैं, मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, केमिकल भी प्रोसेस होते हैं। जबकि जो मेटल है इज नॉट ओनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स, कहते हैं कि जो मेटल है वो ना सिर्फ उसके जो रिस्पेक्टेड ओर्स है वहाँ से उसको निकालते हैं, बट लेकिन उसके साथ साथ इट इज़ आल्सो मेड यूजफुल फॉर अस, लेकिन उसको जो है इस्तेमाल करने के काबिल भी बनाती हैं। जो हमारे पास मेटल होते हैं वो ना सिर्फ एक्सट्रैक्ट होते हैं अपने रिस्पेक्टिव ओर्स से, बल्कि साथ ही साथ वो क्या करते हैं, उसको हमारे इस्तेमाल करने के काबिल भी बनाती हैं। इज इट क्लियर? जबकि जो बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर नॉट सूटेबल फॉर यूज इन प्योर फॉर्म, जबकि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो होते तो प्योर है लेकिन वो हमारे इस्तेमाल में नहीं होते, होते वो सारा कुछ उन्हें रिफाइन करके उन्हें प्योर बना देते हैं लेकिन फिर भी उन्हें हम यूज नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ओके, ये जो हमारे पास, देयर इज नो सिंगल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का यहाँ पर सिर्फ एक मेथड नहीं है। ओके, अब बिकॉज जो मेटल्स हैं, अब मेटल्स आर फॉर्म्ड इन वेरियस, जो मेटल्स की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स है। अब किस तरह से हमारे पास जो एक कंबाइंड स्टेट है, एक हमारे पास फ्री स्टेट है, कंबाइंड स्टेट में इसके अंदर कौन से मेटल आते हैं, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके, अब जिस तरह से ऑक्साइड है, कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड आता है, सल्फाइड आता है, हैलाइड्स आता है, कार्बोनेट्स आती हैं, सिलिकेट्स आती हैं, तो सल्फेट्स आती हैं, फॉस्फोरस आते हैं, ये सारे कंबाइंड स्टेट में आती हैं। ओके, अब जो कहते हैं मेटल्स की सिर्फ एक फॉर्म नहीं होती, इसकी वेरियस फॉर्म्स होती हैं, जिस तरह से कंबाइंड है और उसके बाद फ्री है, फिर लेस रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव, उस तरह से इसके मेटल्स की डिफरेंट फॉर्म्स है। बहुत सिंपल और ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये।
अब जो रिएक्टिव मैटर्स के अंदर कौन कौन से आती है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, आपने बस ये याद करना है जो रिएक्टिव जो मेटल्स है वो उसमें सोडियम है, पोटेशियम है और एल्यूमिनियम है। और इनको हम किस मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो मीन्स कि इसको हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास करंट है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसको हम क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन करते हैं और इसके अंदर जो मेटल्स होती हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, जबकि जो हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, जिंक है और लीड है, इसको हम कौन से मेथड से प्रोड्यूस करवाते हैं, केमिकल से। ओके, एंटायरली केमिकल प्रोसेस। अब जो हमारे पास मेटलर्जिकल ऑपरेशन है उनको मतलब फाइंड करने के लिए और हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, पहले कि ये कौन सी टाइप की ओर है, ओके, ऑक्साइड है, सल्फेट है या हैलाइड है। ओके, अब नेक्स्ट कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, अब ये बताएं कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, हाई है या लो है। उसके बाद कहते हैं कि नेचर ऑफ द गैंग, के जो गैंग है उसकी नेचर कैसी है, अब वो कंबाइंड स्टेट में है या फ्री स्टेट में है। तो ये बहुत सिंपल था मेटलर्जिकल ऑपरेशन, इसमें हमने यही पढ़ा कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन के अंदर मेटल्स ना सिर्फ एक्सट्रैक्ट होती हैं अपने रिस्पेक्टिव ओर से, बल्कि वो हमें इस्तेमाल करने में भी, यूज़ करने में हमारी मदद करते हैं, मतलब कि इस्तेमाल के काबिल बनाती हैं। ओके, और वो यूँ कह रहे हैं कि क्योंकि जो हमारे पास कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो होते हैं तो प्योर फॉर्म में, लेकिन उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, तो जो हमारे पास मेटल है इसके लिए, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक सिंगल मेथड नहीं है हमारे पास, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास मेथड है। कौन कौन से हमारे पास, जो क्योंकि मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट वेरियस टाइप हैं उसकी, जिस तरह से कंबाइंड स्टेट में, और कंबाइंड स्टेट में उसमें सल्फेट्स आता है, सिलिकेट्स आता है, हैलाइड्स आता है, ये सारे किस्में आती है कंबाइंड स्टेट में। जबकि अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो कुछ रिएक्टिव्स होती हैं और कुछ लो रिएक्टिव होते हैं, कुछ हाई रिएक्टिव होते हैं। अब जो हमारे पास हाई रिएक्टिव होते हैं वो कौन से मेटल है, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, हाई रिएक्टिव है। और अगर लो की बात करें तो लो के अंदर कौन से हैं, लो के अंदर हमारे पास ये आयरन है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ओके, लो के अंदर, तो इस तरह से हम उनको, जो हमारे पास हाई रिएक्टिव होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल के प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो लो मेटल्स होते हैं उनको हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट metallurgical operations, and if you have any question related to this whole topic you can ask me in the comment section. Thanks for watching, Allah Hafiz, and don't forget to subscribe my channel.